मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी 2 दिन पहले सब ठीक ठाक था, हम सब मिलकर ललित भाई जी के घर गए और दीपू को देखने के लिए एक केयर टेकर बुलवाया था। वो साला कांड कर गया। जब वापिस आए तो दीपू हमें इस हालत में मिला। तो क्या बच्चों जैसी बात कर रही है, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। मुझे तो लगता है पक्का किसी भूत प्रेत का साया है। तू चुप कर, देखा नहीं तूने कैसे 4 पैरों पर चलता है? भूख लगती है तो जानवरों की तरह चिल्लाता है, खाना दो तो झपट पड़ता है और उससे एक अजीब सी गंध आ रही है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या करूं, मेरे 2 बच्चे पहले ही बर्बाद है। तू तो बात मत कर, बचपन से तूने खून पिया मेरा, तो पहले ही खत्म है। और अब प्रीति की भी शादी ना करूं, कुएं में धकेल दूं उसको। इस बार अगर रिश्ता टूटा तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगी उसकी शादी। और कितनी मुश्किल से उपवन को छुट्टी मिली है। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया हमारा परिवार। इसको देखो, उसकी शादी करो कि तुझे संभालू। हाय रे, हाय रे।